हाँ तो रुष्टी, इस वीडियो के अंदर हम सर्च होटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 42-43 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी की अभी करंटली अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के 3 रिसोर्ट हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो उन रिसोर्ट के अंदर यहाँ पे उसको जो रिसोर्ट को कभी भी जिनको रेंट पे जरूरत होती है तो उनको लोगों को रेंट पे देने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और अगर 3 रिसोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो 3 रिसोर्ट में से 2 रिसोर्ट यहाँ पे कंपनी खुद मैनेज करने का काम करती है और 1 रिसोर्ट को यहाँ पे कंपनी ने लीज दिया हुआ है। तो वहां पे लीजिंग से रिगार्डिंग जो कंपनी की इनकम होती है वो हमें वहां पे आती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के रिसोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह होती है, जो कॉर्पोरेट की जो मीटिंग्स वगैरह और सोशल इवेंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो जब यहाँ पे खास करके अगर हम बात करेंगे जितनी भी यहाँ पे अच्छी खासी वेडिंग्स जब इंडिया में हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अच्छे खासे अगर कंपनी के कॉर्पोरेट के साथ में अगर कंपनी के कोलैबोरेशन अगर अच्छे होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कॉर्पोरेट मीटिंग का रेवेन्यू भी एक अच्छा खासा कंपनी के पास में वहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है myownroom.in प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। तो वहाँ पे कंपनी ने अराउंड 50% का स्टेक वहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है। तो वहाँ पे कंपनी का जो हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो इसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। बाकी अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 144 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये अच्छा खासा नंबर है। और जिसमें मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग रिसोर्ट में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का एनुअल सैलरी लगभग 2.5 से 3 लाख के लगभग होता है तो मेजोरिटी ऑफ जो ये कंपनी के एम्प्लॉइज है वो इसी एरिया में हमें यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो रिसोर्ट की प्रॉपर्टीज है तो उसमें यहाँ पे कंपनी को एक्सपांशन करना है, तो उसके रिगार्डिंग आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलरली अगर हम रेवेन्यू के साइड में अगर हम बात करेंगे तो इतने ज़्यादा कोई ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि 2021 में लगभग 6 महीने हमने कोविड देखा था, तो 6 महीने का ही ये नंबर हमें पर्टिकुलरली ये नजर आता है। तो 6 महीने के हिसाब से अगर हम उसके बाद में अगले ईयर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो आपको लगेगा कि लगभग 50% के लगभग का ये ग्रोथ का नंबर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 16 करोड़ के लगभग का ये नंबर हो जाता। पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर इतने अच्छे नहीं है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 लाख से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। और भी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 14 करोड़ 55 लाख के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 15% से भी कम का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। डेफिनेटली जब इतना ज्यादा कम ग्रोथ का खास करके रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा कम ग्रोथ अगर मार्केट को देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ये स्टॉक को लाइक नहीं करता है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ऐसी कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा 20 का पी रेशियो देता है, 20 से ज्यादा का पी रेशियो मिलना यहाँ पे ऐसी कंपनीज को मुश्किल हो जाता है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी ये कंपनी लगभग 27 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है, तो वहाँ पे जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है वहीं पर कंपनी को एक्सपांशन करना है। कोई नया रिसोर्ट बनाने के रिगार्डिंग आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 44 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे अराउंड 3 करोड़ 44 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मार्जिन वाइज अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन वाइज डेफिनेटली कंपनी के मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड 20-23% के मार्जिन पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन कंपनी के नंबर से हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 27 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 65 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,30,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 करोड़ 63 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 13-13.5 करोड़ के लगभग के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 7 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एटी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 105 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से जो कंपनी ने अभी अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 के पी रेशियो पर आईपीओ में कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। जो कहीं की देखा जाए वैल्यूएशन वाइज चूंकि इतने ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं की जो पी रेशियो है कंपनी का वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें नजर आता है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा आईपीओ का एक्सरसाइज भी लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का एक्सरसाइज है और यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा नहीं है और कोई भी यहाँ पे एंकर कोटा नहीं है। तो यानी कि जो भी शेयर्स है वो यहाँ पे वो पूरा फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे नजर आएगा कि 5% के लगभग का यहाँ पे मार्केट मेकर पोर्शन रहेगा। यानी कि अराउंड 95% जो शेयर्स होंगे वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे लिस्टिंग के नहीं यहाँ पे सेल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें नजर आता है। और 26 से 30 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा आईपीओ खास करके एसएमई साइड में आते हुए नजर आ रहे तो वहाँ पे ऐसे टाइम पे इस कंपनी को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना भी मुश्किल रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो 5 से 10% के माइनर गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो ये आईपीओ 5 से 10% के प्रीमियम पे हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद में थोड़ा ये कंपनी फिर भी चल सकती है क्योंकि होटल से रिगार्डिंग कंपनी है तो ये डेफिनेटली ऐसे टाइप के जो बिजनेस मॉडल होते हैं वो मार्केट को अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिल्कुल भी लॉस नहीं ले सकते यानी कि 5% अगर यहाँ पे बाई चांस लॉस हो जाता है और आप इसको आपको लॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 5% नीचे भी खुल जाती है और आप इसमें लॉस बुक करने की अगर आपकी कैपेसिटी है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा पर्टिकुलरली व्यू ये रहेगा कि यहाँ पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा रहेगा और लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन जब लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूंगा अगर बाई चांस ये कंपनी 5% नीचे खुल जाएगी या फिर 10% ये कंपनी नीचे खुल जाएगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे लॉस बुक करके ये कंपनी से निकल जाऊंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि सर्ज होटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।